जिस तरह आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह आतंकवाद का कोई रंग भी नहीं होता। लेकिन अमेरिका में आतंकवाद का रंग अश्वेत होता है। अमेरिका के लास वेगस में हुए आतंकवादी हमले को लेकर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के प्रशासन ने शाब्दिक चालाकी का प्रदर्शन किया है और दुनिया को यह संदेश दिया है कि लास वेगस की घटना आतंकवादी हमला नहीं बल्कि मास शूटिंग थी। यानी अगर हमला अमेरिका के बाहर हो तो उसे आतंकवादी हमला कहा जाएगा, टेरर अटैक का नाम दिया जाएगा, लेकिन अगर हमला अमेरिका के अंदर हो तो उसे मास शूटिंग कहकर निपटा दिया जाएगा। ये एक दूषित नज़रिया है और आज इस नज़रिए ने अमेरिका के दोहरे चरित्र को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अमेरिका को दूसरे देशों का आतंकवाद तो हमेशा दिखता है, लेकिन खुद अपने देश का गन कल्चर उसे नज़र नहीं आता। अमेरिका में हर साल हजारों लोगों की मौत गन कल्चर की वजह से होती है, लेकिन इसे कभी आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता। हथियारों की ये वासना अमेरिका को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही है, खोखला कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि अमेरिका में गन शॉप्स की संख्या सुपरमार्केट्स, मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स से भी ज्यादा है। अमेरिका में स्टारबक्स की करीब 10,843 कॉफी शॉप्स हैं, मैकडॉनल्ड्स के 14,350 जॉइंट्स हैं, वहां करीब 38,000 सुपरमार्केट्स हैं, जबकि गन डीलर्स की संख्या करीब 65,000 है। यानी अमेरिका में कॉफी, बर्गर और घर के सामान की दुकानों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो भी गन बेचने वाली दुकानों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा निकलेगी। अमेरिका में गन खरीदना बहुत आसान है और इसीलिए वहां इतना ज्यादा खून खराबा देखने को मिलता है। हम आपको एक नक्शे के जरिए आज ये समझाने की कोशिश करेंगे। इस नक्शे पर नजर डालिए। अमेरिका के इस नक्शे में हर जगह को एक रेड डॉट के जरिए दिखाया गया है जहां पर 2017 में शूटिंग की घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि आधा अमेरिका खून के लाल छींटों से रंगा हुआ है। इस नक्शे से आपको पता चल जाएगा। इस साल अमेरिका में फायरिंग की 46,479 घटनाएं हुई हैं। इसी साल इनमें से 271 घटनाएं मास शूटिंग की थी, यानी वहां फायरिंग में 4 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वर्ष 2017 में शूटिंग की इन घटनाओं में 11,565 लोगों की मौत हुई जबकि 23,347 लोग घायल हुए। शूटिंग की 1,508 घटनाएं बिना किसी मकसद के हुई हैं, यानी अपनी सनक में किसी की हत्या कर देना अमेरिका में कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि उसकी सोसाइटी के डीएनए में आ गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के सिर्फ 4.43% लोग अमेरिका में रहते हैं, जबकि पूरी दुनिया में मौजूद गन्स में से 42% अमेरिका में है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से ज्यादा भरोसा अपनी गन पर करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 67% लोगों ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए गन रखते हैं, हथियार रखते हैं। अमेरिका में 38% लोग शिकार करने के लिए गन रखते हैं। अमेरिका में 30% लोग शूटिंग के खेल के लिए गन रखते हैं, यानी जो शूटिंग को वो एक स्पोर्ट के तौर पर जो खेलते हैं वो अपनी गन रखते हैं। 13% लोग ऐसे हैं जिनकी हॉबी गन कलेक्शन है और 8% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी नौकरी की वजह से बंदूकें रखनी पड़ती हैं। अमेरिका में गन कल्चर इतना खतरनाक हो चुका है कि बंदूकें रखने वाले हर 10 में से 4 लोग कहते हैं कि वो अपने घर में लोडेड गन्स रखते हैं और घर में कोई भी आसानी से इन बंदूकों का इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर हमें गन कल्चर पर अमेरिका की राजनीति को भी समझना चाहिए। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी गन कल्चर के समर्थन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी रिपब्लिकन पार्टी के हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने गन कल्चर का समर्थन किया था, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी गन कल्चर के खिलाफ है। यानी सुरक्षा के लिए लोग गन रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और उन्होंने अपनी सरकार में गन कल्चर के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आपको याद होगा अमेरिका में 14 दिसंबर 2012 को एक स्कूल में मास शूटिंग की घटना हुई थी जिसमें 6 से 7 वर्ष के 20 बच्चों की मौत हो गई थी। तब मास शूटिंग की इस घटना को याद करते हुए बराक ओबामा भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। गन कल्चर की जड़ें अमेरिका की राजनीति में बहुत गहराई तक मौजूद हैं। अमेरिका में दो बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इनमें
57% रिपब्लिकन्स के पास गन है, जबकि 25% डेमोक्रेट्स के पास भी गन है। यानी गन्स की संख्या राजनीतिक विचारधारा से बिल्कुल मेल खाती है। अब आपको अमेरिका के गन कल्चर की जड़ के बारे में बताते हैं। अमेरिका में हथियार खरीदना बहुत आसान है। वहां के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां घर का सामान खरीदने में ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन बंदूक तुरंत हाथों हाथ मिल जाती है। अमेरिका के 8 राज्य ऐसे हैं जहां बंदूक खरीदने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इन राज्यों में बंदूक खरीदने वालों के बैकग्राउंड की भी जांच नहीं की जा सकती, यानी कोई भी व्यक्ति दुकान पर जाकर गन खरीद सकता है। लॉ सेंटर टू प्रिवेंट गन वायलेंस के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा में लोग आसानी से एक दूसरे को बंदूक बेच सकते हैं। फ्लोरिडा में कोई भी व्यक्ति एक वक्त में जितनी चाहे उतने हथियार खरीद सकता है। अब समस्या यह है कि अमेरिका में लोग एक दूसरे को देखकर बंदूकें खरीदते हैं। अमेरिका में बंदूकों का व्यापार बहुत बड़ा है और 2013 में अमेरिका में 1,80,00,000 बंदूकों का उत्पादन हुआ था, और ये भी एक वजह है कि अमेरिका में गन कल्चर को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। अमेरिका पर आतंकवादी हमला ना हो, इसके लिए वो पूरी दुनिया में हजारों लोगों की जान ले सकता है। ये सुनकर लगता है कि उसे अपने नागरिकों की बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। अमेरिका में बंदूक खरीदकर मास शूटिंग करना शायद दुनिया में सबसे आसान है। अमेरिका में बंदूकों का इतिहास अमेरिका की आजादी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां बंदूक रखना शान की बात समझी जाती है। वर्ष 1776 में बंदूकों के दम पर अमेरिका ने ब्रिटेन के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने देश की रक्षा की खातिर अपने नागरिकों को बंदूकें रखने का अधिकार दिया था। देश की रक्षा के लिए जो अधिकार नागरिकों को दिया गया था, वही अधिकार अब अमेरिका में हर साल हजारों लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका की आबादी इस वक्त करीब 32,31,00,000 है, जबकि अमेरिका में आम लोगों के पास मौजूद गन्स की संख्या 28 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका चाहे तो गन कल्चर पर अंकुश लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से सीख ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट आर्थर में वर्ष 1996 में मास शूटिंग की घटना हुई थी, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत सख्त कानून बनाया। वहां ऑटोमेटिक राइफल्स और शॉटगन्स को बैन कर दिया गया। वहां गन खरीदने वाले व्यक्ति को 28 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल फायर आर्म्स बायबैक प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें 6,00,000 से ज्यादा हथियारों को नष्ट कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में बिना लाइसेंस के गन रखने पर 1,83,00,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 14 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में इसी वर्ष सरकार ने गन कल्चर पर कंट्रोल के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें 26,000 गन्स को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग की एक भी घटना नहीं हुई है। कुल मिलाकर अमेरिका का गन कल्चर अमेरिका के दोहरे रवैये को एक्सपोज करता है, और इस दोहरे रवैये के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अमेरिका ने आतंकवाद का रंग भी तय कर दिया है और उसका धर्म भी तय कर दिया है। वो अपनी सुविधा के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ता है।